सियासी संकट के बीच पाकिस्तान में रविवार का दिन काफी चौंकाने वाला था। इमरान खान ने अपने सियासी दाव से विपक्ष को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के ही खारिज कर दिया। उधर इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। देश में अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे। वहीं इसके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी है। 5 सदस्यीय बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पाक सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के वकील से कहा, यहां राजनीतिक बातें ना करें। वहीं पीपीपी की ओर से पेश फारूक नाइक ने कोर्ट से फुल बेंच बनाने की अपील की, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप बेंच को लेकर सवाल खड़े करेंगे तो हम चले जाएंगे और अन्य केसों में भी सुनवाई प्रभावित होगी। अभी कोर्ट में 5 जजों की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है, जिसे कल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई कल दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होगी। नेशनल असेंबली भंग किए जाने के बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत इमरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इमरान खान 15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य जारी रख सकते हैं, मगर उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं है। इस बीच पाकिस्तान सरकार की ओर से नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए गुलजार अहमद के नाम का प्रस्ताव किया गया है, जिनकी निगरानी में पाकिस्तान में चुनाव होंगे। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर लगी हुई।